इसीलिए 24% स्टैंडर्ड वर्कर्स स्वाम को बताया कि हमारे पास तो 100 रुपया कुल रह गया, तो 100 रुपए से कौन सी टिकट वो लेंगे, वो तो स्कूटर पे लग जाता है आने जाने में, कई लोग तो शायद रेलवे स्टेशन पे नहीं पहुंच सकते। 97% को नहीं मिली, ये स्वाम रिपोर्ट है। देश को संबोधित करना और अपने मन की बात बताना, दिल के विचार बताना और मन की बात भी बताना। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़, मैं हूं आपके साथ सादान खान। भारत में कोरोना वायरस के फैलने से पैदा होने वाली स्थितियों से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ महीनों पहले सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन यानी पीएम केयर फंड की घोषणा की थी। लेकिन वो पैसा कहाँ गया, कहाँ गए वो पीएम के वादे जो पीएम ने लोगों से गरीब मजदूरों के नाम से पीएम केयर फंड में जमा कराए थे। जनता की ना सही, कम से कम पीएम ने अपने वादों की तो इज्जत की होती। कम से कम पीएम मोदी और केंद्र सरकार ने इतना तो सोचा होता कि आखिर अगर पैसा इधर से उधर हो गया तो दान देने वाले लोगों और जनता को क्या मुंह दिखाएंगे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब पैसा नजर आता है तो फिर कुछ समझ नहीं आता, यहाँ भी ठीक वैसा ही हुआ, क्योंकि 8,000 करोड़ से ज़्यादा का फंड कोई मामूली बात नहीं होती। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नागरिकों और कॉरपोरेट घरानों से इस फंड में दान करने की अपील करने को कहा था। इसमें जो पैसा आएगा उसमें कोरोना वायरस के खिलाफ चल रहे युद्ध को मजबूती मिलेगी। लेकिन यहाँ तो यही साफ हो रहा है कि सरकार ने इस पैसे से सिर्फ और सिर्फ खुद की मजबूती की। मैं इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता सलमान अनीस ने सवाल उठाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 16 दिसंबर 2019 तक 3800 करोड़ रुपए जमा हुए थे। कोविड-19 से संबंधित दान में कोष में क्यों नहीं डाला जा सकता, क्यों पीएम केयर फंड बनाया गया। इस ट्रस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और 3 मंत्री हैं, इसमें विपक्ष से और सिविल सोसाइटी से किसी को क्यों नहीं शामिल किया गया। तो वहीं कपिल सिब्बल ने भी सरकार और पीएम मोदी को निशाना साधते हुए कहा कि आखिर पीएम केयर फंड का पैसा कहाँ गया, सरकार ये बताए कि कितने गरीब और कितने मजदूरों को इस पैसों से सहायता की गई। और क्या कुछ कपिल सिब्बल ने कहा वो सुनते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहते हैं कि मैं महामारी में कहीं जा नहीं सकता, केवल आपसे मैं आपको भाषण ही दे सकता हूँ या आपको कह सकता हूँ कि ताली बजाओ, थाली बजाओ या दिया जलाओ। लेकिन अगर आपको वाकई में जानना है कि वहां स्थिति है क्या, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमें अनुमति दे दो, हमारे लोगों को अनुमति दे दो, हम उन जगह पे चले जाएंगे, अस्पतालों में चले जाएंगे जहाँ व्यवस्था क्या है, हम क्वारंटाइन सेंटर में चले जाएंगे और आपको जूम के द्वारा कनेक्ट कर देंगे, तो तुरंत आपको पता चल जाएगा। फिर आप देश को संबोधित करना और अपने मन की बात बताना, दिल के विचार बताना और मन की बात भी बताना। आप इस वक्त कपिल सिब्बल को सुन रहे थे, जिन्होंने साफ तौर पर सरकार पर पैसों को गबन करने का आरोप लगाया। लेकिन वहीं एक बार फिर सरकार के सामने पीएम केयर फंड को लेकर बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें पीएम केयर फंड को सूचना का अधिकार नियम यानी आरटीआई के दायरे में लाने की मांग की गई है। वकील सुरेंद्र सिंह हुड्डा की ओर से दायर की गई इस याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। याचिका में कहा गया है कि कोरोना वायरस के मद्देनजर जनता की ओर से पीएम केयर फंड में जमा कराई गई राशि कितनी है, ये जानने का हक हर कोरोना पीड़ित को है। उन्हें पता होना चाहिए कि इस फंड में कितनी राशि जमा कराई गई और अब तक उसमें से कितनी राशि खर्च हो गई है। इस फंड में जमा राशि को आगे किस तरह से खर्च करने की सरकार की योजना है। याचिका में यह भी कहा गया है कि कोरोना पूरे देश में महामारी की तरह फैला हुआ है, बड़ी संख्या में इस वायरस से संक्रमित मरीजों की आर्थिक मदद की जरूरत है। लेकिन मरीजों के पास ये मौलिक अधिकार भी है कि वो ये जान सकें कि पीएम केयर फंड में कोरोना के दौरान आम लोगों की तरफ से दिए गए कितने पैसे अब तक इकट्ठा हो चुके हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि अगर पीएम केयर फंड पब्लिक अथॉरिटी नहीं है तो फिर देश को प्रधानमंत्री ने इसका प्रचार क्यों किया। जनता को सरकार की तरफ से इस सवाल का जवाब दिया जाना जरूरी है। अब इस सवाल का जवाब कब मिलेगा ये पीएम और केंद्र सरकार से बेहतर कोई नहीं जानता। लेकिन पीएम की अपील के बाद बड़ी तादाद में लोगों ने पीएम केयर फंड में दान दिया था, जिसका अगर आकलन किया जाए तो 8,000 करोड़ से ज़्यादा बैठता है। अब सरकार इस पर क्या जवाब देगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज़। शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।